अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आप लोग का दोस्त मराथान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अ न्यू वीडियो दोस्तों। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा और आज ने टाइटल पे भी देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस के ऊपर। मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में जो है पोर एप्लीकेशन ऐसे बताऊंगा जिससे आप आसानी से अपनी वीडियोज़ को एडिट कर सकते हो। चाहे अगर आप यूट्यूबर हो या आप ब्लॉगर हो या आप वैसे भी वीडियोस बनाते हो शौक के लिए, तो आप कैसे जो है किस किस एप्लीकेशन को आपको यूज़ करना चाहिए और जो है सबसे आसान एप्लीकेशन कौन से है। जैसे कि लोग जो है ज़्यादातर वीडियोस देखते हैं कि यार जो है मैं वीडियो से पता चले कि यूट्यूबर जो है वीडियोस में जो है अपनी वीडियोज़ के लिए कौन से एप्लीकेशन यूज़ करते हैं दोस्तों। तो जैसे कि आप बड़े बड़े यूट्यूबर ले लो, चाहे जो भी हो, लेकिन अगर बड़ा यूट्यूबर हो ठीक है, तो वो भी मोबाइल में जो है वीडियोज़ को एडिट करता है, ताकि जो है मोबाइल में एडिट करना, वीडियो एडिट करना बहुत आसान है दोस्तों। आप हैरान हो कि वो लोग तो बड़े बड़े यूट्यूबर, उनके पास तो तीन तीन लैपटॉप होते हैं, एक कंप्यूटर सिस्टम होता है, तो वो उसमें क्यों नहीं करते। उसमें भी होता है और एप्लीके ज़बरदस्त जो है एडिटिंग मोबाइल लैपटॉप में होता है या मतलब पीसी कंप्यूटर सिस्टम में होता है, लेकिन जो है मोबाइल में सबसे आसान जो है वो होता है एडिटिंग। मोबाइल में सबसे आसान कैसे होता है मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। वो जो है एप्लीकेशन कौन से है जिससे आप हम आसानी से जो है एडिट कर सकते हैं अपने वीडियोस को। आप चाहे जो है ज़्यादातर वीडियोस को ले ले, तो आप देखते हो कि यार ये इसने इस तरह एडिट किया हुआ है, इस तरह एडिट किया हुआ है, आप देखते हो ना यूट्यूब पे, ये सारे जो है बहुत आसान है, बहुत सिंपल एडिटिंग है ठीक है। आज की वीडियो में आप लोग को सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि जो है आप वीडियोस को कैसे कौन सी एप्लीकेशन में एडिट करते हो ठीक है। आप में जो आप लोग को बताने जा रहा हूँ, जिस एप्लीकेशन के नाम में आप लोग को बताऊँ, तो उस पे हज़ारों वीडियोज़ जो है यूट्यूब पे पड़े होंगे। आप जाकर उस एप्लीकेशन का नाम लिख के और साथ में एडिटिंग वीडियोज़ लिख के, तो वो आ जाएंगे, बहुत सारे वीडियोज़ आ जाएंगे। और इसमें आप देखिए, आप जो है एक वीडियो देखिए, उससे आप जो है कुछ मतलब कुछ सीख ले, फिर आप यूट्यूब उस एप्लीकेशन में जाइए और उस पे आप जो है ट्राई करते रहे, एक दो तीन में, एक वीक बाद, एक मंथ बाद, आप जो है उस पे आप समझ जाएंगे, पूरा समझ जाएंगे कि इसमें जो है वीडियोस कैसे एडिट होते हैं। वीडियो एडिटिंग जो है बहुत आसान है, बहुत सिंपल है दोस्तों। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, सो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँच सके दोस्तों। जो है पूरी एप्लीकेशन मैं आप लोग को बताने वाला हूँ दोस्तों। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है VN एप्लीकेशन। ये थोड़ा जो है डिफिकल्ट है, लेकिन इस पर भी बहुत सारे यूट्यूबर या बहुत आम यूट्यूबर, आम वीडियोस बनाने वाले जो होते हैं या मतलब ब्लॉगर है या जो भी हो, वो जो है ज़्यादातर मतलब कमतर ये यूज़ करते हैं VN एप्लीकेशन। ये VN एप्लीकेशन जो है बहुत सिंपल है और जो है आप इसमें एडिट कर सकते हो अपनी वीडियोस को। बहुत ज़बरदस्त और बहुत अमेजिंग एप्लीकेशन है। अब चलते हैं दूसरे नंबर एप्लीकेशन पे। तो नंबर दो एप्लीकेशन जो है वो है कैपकट भी एक अच्छा एप्लीकेशन है। इसमें जो है ट्रेंडिंग वीडियो जो है आजकल आप देखते हो यूट्यूब पे, टिकटॉक पे या बहुत फेसबुक की रील्स में आप जो है देखते हो, तो ये कैपकट एप्लीकेशन जो है ये भी बहुत सिंपल है। इसमें बहुत ज़बरदस्त एडिटिंग होता है, ये भी बहुत सारे लोग जो है आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखिए, ये भी बहुत से लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है और इसमें आप एडिट कर सकते हो बहुत आसानी से। अब तीसरे नंबर पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि तीसरे नंबर पे जो एप्लीकेशन है वो है InShot। बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है और InShot भी बहुत ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादातर लोग। InShot में भी बहुत सिंपल है InShot का तरीका, जो दो मैं आप लोगों को मैं बताया आप लोगों को VN और कैपकट और VN से सबसे सिंपल जो है वो InShot है। InShot में बहुत ज़बरदस्त और बहुत सिंपल तरीके से आप वीडियोस को एडिट कर सकते हो। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये InShot एप्लीकेशन है और इसमें एडिटिंग करना बहुत ज़्यादा आसान है। अब बात करते हैं नंबर फोर एप्लीकेशन के बारे में। तो नंबर फोर एप्लीकेशन कौन सा है, वो है KineMaster। KineMaster मैं खुद यूज़ करता हूँ, मेरे पास VN है, मेरे पास CapCut है, मेरे पास InShot है, लेकिन मैं वीडियोज़ एडिट करता हूँ
काइन मास्टर पे। काइन मास्टर एक एप्लीकेशन है जो मेरे ख्याल से हर यूट्यूबर के मोबाइल में होगा, हर यूट्यूबर के मोबाइल में। मैं आप लोग को एक गारंटी देता हूँ कि अगर जो भी यूट्यूबर हो और उसके पास एक मोबाइल है और मोबाइल में उसके पास एडिटिंग एप्लीकेशन होंगे तो काइन मास्टर तो ज़रूर उसके मोबाइल में होगा। तो काइन मास्टर एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। आप जो है इसमें ये जो तीन मैंने आप लोगों को बताए वो इन तीनों से जो है ये सबसे ज़्यादा सिंपल है, सबसे ज़्यादा। इसके एडिटिंग जो है ना, मैं आप लोगों को बताऊँ कि 5-6 साल का बच्चा भी इसमें एडिट कर सकता है अपनी वीडियोस को। तो ये बहुत सिंपल है। आप ये मत सोचिए कि यार अब तो हर कोई जो है जो नई चीज़ में जाता है तो उसमें आप लोगों को समझ नहीं आती कि इसमें ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। वो तो मतलब होता है ना, वो नई चीज़ होता है, आप कभी गए नहीं वहाँ, या मतलब कोई एप्लीकेशन है तो आपने कभी यूज़ नहीं किया है तो वो तो होता है। लेकिन इस एप्लीकेशन में जो है आप मतलब 1-2-3 में जो है इसमें आप ट्राई कीजिए। एक बार आप गलती करें, दूसरी बार आप गलती करें, लेकिन तीसरी बार आप अपने वीडियो को सही एडिट कर सकते हो सही से। तो ये ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। मैंने आप लोगों को बताया कि हर यूट्यूबर के पास ये काइन मास्टर एप्लीकेशन है और आप इसमें बहुत आसानी से जो है एडिट कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को बताऊँ कि इसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये सारे एप्लीकेशन आप कहाँ से डाउनलोड करोगे और इससे जो है मैं लिंक जो आपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहां से क्लिक करके आप गूगल क्रोम से इसको डाउनलोड करें, क्योंकि उसमें जो है आप जब प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो उसके पीछे नीचे जो है उसका वाटरमार्क होता है मेड विथ काइन मास्टर, मेड विथ इन शॉर्ट या सिर्फ एप्लीकेशन का नाम होता है एक कॉर्नर पे, ठीक है। तो जो मैं लिंक आप लोगों को दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में उससे आप जाके डाउनलोड करें, उस पर कोई भी वाटरमार्क नहीं होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।